हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम न्यू एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, जिसके लिए हमें चाहिए दो टेस्ट ट्यूब, दो नहीं थ्री टेस्ट ट्यूब। और इसमें हम नॉर्मल वाटर डालेंगे। अब हम इसको ऐसे रहने देंगे और एक को क्लैंप की मदद से इस प्रकार से फंसा देंगे। और इसे स्प्रिट लैंप की सहायता से हीट करेंगे। क्लैंप को थोड़ा डाउन करेंगे। अब हम इसे स्पिरिट लैंप की सहायता से हीट करेंगे। वाटर को हीट करेंगे। अभी जो वाटर का टेम्परेचर देखते हैं थर्मामीटर से कितना है। ये भी 27 डिग्री के आसपास में है। आप देख रहे हैं हमारा वाटर हीट हो रहा है धीरे धीरे। हमारा वाटर हीट हो रहा है और थोड़ा थोड़ा आवाज़ कर रहा है। फिर हम दूसरे टेस्ट ट्यूब का मेजर करते हैं। 20 डिग्री के सेल्सियस के आसपास में है अभी। ये 25 डिग्री सेल्सियस हुआ है। अब हम देखेंगे इसका टेम्परेचर क्या है। भाई 70 डिग्री सेल्सियस, 70 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुका है और आवाज सुन रहे हैं आप वाटर का। 80 डिग्री सेल्सियस, 80 डिग्री सेल्सियस आप देख सकते हैं। अब मर्क्यूरी धीरे धीरे नीचे हो रही है। देख सकते हैं हमारा वाटर जो है धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है। अब इसे हम सिंपली बंद करेंगे और दूसरे टेस्ट ट्यूब में, और इसे हम चिमटी की मदद से हीट है। इसे हम दूसरे टेस्ट ट्यूब में पलट देंगे। बहुत ज़्यादा हीट है। यह हमारा हीट वाटर है और इसमें हम फूड कलर डालेंगे और ऑब्जर्व करेंगे। आप देख रहे हैं इसमें मेरा
फूड कलर जो है डिजॉल्व हो गया, वो भी बहुत तेजी से। अब हम इसके लिए नॉर्मल वाटर लेंगे और उसमें देखेंगे कि हमारा फूड कलर इतनी स्पीड से डिजॉल्व होता कि नहीं। गाइस आप देख रहे हैं कि ये इसमें किस तरह से डिजॉल्व हो रहा है। जिस प्रकार से हमारे हीट वाटर में डिजॉल्व हुआ है, उस प्रकार से हमारे कोल्ड वाटर में डिजॉल्व नहीं हो रहा है फूड वाटर। देख सकते हैं आप, कहीं कहीं पर डिजॉल्व हुआ है और कहीं कहीं पर नहीं डिजॉल्व हुआ है। इससे हमारा कॉन्सेप्ट मिलता है, जो हॉट हॉट वाटर मॉलिक्यूल्स हैव मोर एनर्जी एंड आर मूविंग फास्टर देन। जब हम हॉट गर्म पानी को लेते हैं और उसमें एनर्जी रहती है जिसके कारण इसके मॉलिक्यूल्स बहुत फास्ट मूव करते हैं, एंड कोल्ड कोल्ड वाटर में इसके मॉलिक्यूल्स उतने तेजी से मूव नहीं करते हैं। आप देखते हैं, इस देख रहे हैं इसमें सिंपली ये बिले डिजॉल्व हो चुका है हमारा फूड कलर्स। एंड अभी इसमें देखिए, जो हमारा कोल्ड वाटर था इसमें अभी भी डिजॉल्व नहीं हुआ है।